कितना होलो पूरा खाली होलो ना आ गहु कितना पूछू टाइप करके दे दे के सीख दे तू 80 के दे पूछू नोम करके दे हमने 5 रुपए के दे 80 20% कर दो देखो उसी तो हमरो देबो देबो हम उतनी का तू तो उही सोच तू लावा ना अभी पैसा ना दे ले कर ले लिया अच्छा हां बात उनका पति को कर आती वही का तू ना साहब ये किसीम दीजिए हां ये किसीम ना ऐसे के देखे कि साहब के किसीम मुझे देखावल काम करबो तब बिहार में शराबबंदी का पूरा श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को देते हैं। यही वजह है कि महिलाओं को बिहार में 30% आरक्षण के बजाय 50% आरक्षण देने की घोषणा बिहार सरकार ने किया है। नीतीश सरकार जानती है कि महिलाओं की वजह से ही बिहार में पूर्ण शराबबंदी सफल है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस वीडियो के देखने के बाद उनका यह भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि बिहार के गया में खुल्लम खुल्ला देसी शराब की बिक्री महिलाएं कर रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण यह वायरल वीडियो है। वायरल वीडियो बिहार में शराबबंदी को पूर्णतः असफल बताने के लिए पर्याप्त है। यह वायरल वीडियो गया के प्रेक्षिला स्थित कोरमा चिड़ियाटार गांव का बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ साफ यह बोलते सुना जा सकता है कि देसी शराब की कीमत 80 रुपये प्रति बोतल है, जिससे एक महिला द्वारा बेचा जा रहा है और शराब बेचने वाली महिला का नाम सुशीला देवी और शिवनारायण चौधरी है। बताया जा रहा है इसका में सरगना का नाम है बजरंगी चौधरी है। वही इस संदर्भ में गया के SSP आदित्य कुमार ने वायरल वीडियो के बारे में जानकारी मिलने की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि संबंधित DSP और पुलिस पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है और यह पता किया जा रहा है कि इसके पीछे कौन कौन संलिप्त है। गया से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। नीतीश कुमार अलौसमन का क्या हाल, क्या 80 रुपये बेचे हैं? हाँ हाँ और फोन कर तो रहे ना। अच्छा ठीक है, फोन कर हमरो बात करा दी हाँ। जो फोन करके पूछू तो चल जाए वहीं तुरंत फोन पूछती कि हाँ पूछू तो हाँ पूछ देवे हमारा पूछे कुछ कब दारू लबे गली तो 85 रुपये बोतल देखो तो तू बान करवा कि तू मामला संज्ञान में आया। हम लोगों ने तुरंत बोला है SHO को इसमें केस दर्ज करके सबकी गिरफ्तारी करें, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिस तरह की भी घटना है सब में उसमें SDPO साहब को भी इसमें निर्देश दिया गया है, जो भी न्याय संगत और तर्क संगत है उस पर कार्रवाई की जाएगी।